चलिए आज एनसीईआरटी 12 क्लास फिजिक्स का अगला टाइटल पढ़ाते हैं 2.7 आवेश की निकाय की स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम। आज हम लोग देखेंगे कि एक निकाय में आवेश के कारण स्थिति ऊर्जा क्या होता है। तो सबसे पहले स्थिति ऊर्जा का कंसेप्ट जानिए। कोई भी निकाय में संचित ऊर्जा जो होता है, कहीं से आप उठाकर किसी भी वस्तु में आप संचित कर दिए, तो वो संचित ऊर्जा जो है क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। और आज हम लोग आवेश के कारण, आवेश को इन्फिनिटिव से लाएंगे, अनंत से लाएंगे और एक टारगेट सेट करेंगे, उस टारगेट में लाएंगे आवेश को, और लाने में जो भी कार्य का परिमाण होगा, जो भी वर्क डन होगा, वह कहलाएगा उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए इसका दो केस है। सबसे पहले केस वन देखेंगे कि दो आवेश के कारण एक सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, और फिर देखेंगे कि तीन आवेश के कारण एक निकाय में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे दो आवेश। केस वन, दो आवेश निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले चलिए इन्फिनाइट रख लेते हैं, अनंत। यहां पर दो ठो चार्ज रख लेते हैं Q1 और Q2, और यहां पर दो ठो बिंदु का अरेंजमेंट करते हैं A और B। तो सबसे पहले Q1 आवेश को A तक लाएंगे और फिर Q2 आवेश को B तक लाएंगे, और दोनों के मध्य डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं R12। तो सबसे पहले आप Q1 आवेश को यहां पर लाएंगे A तक, ठीक है, फिर Q2 आवेश को B तक लाएंगे, और एक सिस्टम तैयार हो जाएगा। और इस सिस्टम में जितना भी कार्य करना पड़ेगा Q1 को A तक लाने में, Q2 को B तक लाने में, और जो सिस्टम का पूरा कार्य होगा, टोटल कार्य होगा, वही कहलाएगा इस सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा, जो हमें फाइंड करना है 2.7 एनसीईआरटी 12 क्लास फिजिक्स के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1। अब आपको पता होगा कि विभव बराबर क्या बताया गया था, कार्य बटा आवेश। अब कॉस, अगर यहां से कार्य निकालना होगा तो कार्य बराबर होगा विभव इंटू आवेश। तो यहां इस फॉर्मूला का यूज हम करने वाले हैं, कार्य बराबर विभव किस बिंदु पर, ए बिंदु पर, इंटू आवेश। ध्यान से देखिएगा, अब यहां कार्य वन निकाल रहे हैं, विभव इस बिंदु पर विभव कितना है, तो इस बिंदु पर विभव शून्य होगा, क्योंकि इस एक बिंदु पर किसी प्रकार का कोई आवेश पहले से तो नहीं है, तो पहले से कोई आवेश नहीं है, तो इस स्थिति में कोई भी यहां पर विभव क्रिएट नहीं होगा। तो इस स्थिति में एक बिंदु पर विभव का मान शून्य है, तो विभव शून्य हो गया इंटू आवेश। कौन से आवेश को आप लाए थे, Q1 को लाए थे, तो 0 गुना Q1, तो इसका मतलब कार्य वन आपका आ गया 0, उसमें इक्वेशन आप 1 भी लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप में है Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2। फॉर्मूला सेम रहेगा, यही विभव, इस बार बिंदु चेंज हो जाएगा, B बिंदु पर, इंटू आवेश। अब ध्यान यहां ये देना है कि क्या B बिंदु पर भी विभव शून्य होगा, जी बिल्कुल नहीं, यहां पर B बिंदु पर विभव शून्य नहीं होगा, क्योंकि इस A बिंदु पर चार्ज आ चुका है,
तो ए बिंदु पर चार्ज आ चुका है तो इसके कारण बी बिंदु पर द्रव्यमान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण कोई भी, जैसे यहां बिंदु पी है तो यहां पर निकल जाएगा विद्युत विभव Q बटा R, ये जानते हैं हम लोग। तो यहां पर भी इस Q1 चार्ज के कारण B बिंदु पर विभव होगा, तो B बिंदु पर विभव कितना होगा W2 K Q बटा R, तो Q किसके कारण Q1 के कारण बटा R, तो R क्या होता है डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है R12, और किस आवेश को आप लाए थे तो Q2 को लाए थे, हमारा W2 बराबर हुआ K Q1 Q2 बटा R12। तो आइए देखते हैं इधर, अब क्या करना है हमें कि ये पूरे सिस्टम का सबसे पहले तो Q1 को लाने में हमारा कार्य कितना आया जीरो, Q2 को लाने में चार्ज हमारा कितना आया K Q1 Q2 बटा R12। अब कुल निकाय देखिए, निकाय का कुल कार्य W बराबर होगा W1 प्लस W2, तो W1 का वैल्यू तो जीरो है प्लस W2 का वैल्यू देखिए कितना है K है Q1 है Q2 है बटा R12। तो ये जो कार्य हुआ ये पूरे सिस्टम का, ये सिस्टम बन गया, ये सिस्टम का जो कार्य हुआ यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो लिखेंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा यदि स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित किया जाए तो तब U बराबर फाइनली आ जाएगा हमारा K Q1 Q2 बटा R12। ये हमारा हो गया सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान से देख लेंगे, एक बार मैं और समझा दे रहा हूं कि क्या क्या हम किए हैं यहाँ पे। तो हमारा टाइटल था आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, जिसमें दो केस है, सबसे पहला केस है दो आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा और दूसरा केस है तीन आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी किए कि दो आवेश निकाय का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। तो सबसे पहले हमने अनंत पे दो ठो आवेश को रखा Q1 और Q2 को, और यहाँ पर दो बिंदु का अरेंजमेंट किया A और B, दोनों के बीच डिस्टेंस आप कुछ भी ले सकते हैं, आप x भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे R12 डिस्टेंस रखा, तो सबसे पहले Q1 को अनंत से A बिंदु तक लाया, फिर Q2 को यहाँ तक लाया। आपको यहाँ पर की पॉइंट क्या जानना है कि क्या ये बिंदु पर विभव होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी पहले से चार्ज नहीं था, तो विभव की आवेश तो विभव का माने यहाँ जीरो और Q1, तो Q1 और जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। तो सबसे पहले Q1 को ये बिंदु तक लाने में कार्य हमारा आया जीरो। अब देखना है Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2, फॉर्मूला सेम रहेगा विभव गुणे आवेश, लेकिन इस बी बिंदु पर विभव होगा या नहीं होगा तो ये जानना है। तो बी बिंदु पर विभव बिल्कुल होगा, अब यहाँ पर Q2 आवेश आ गया, लेकिन यहाँ देखिए Q1 पहले से ऑलरेडी है जो बी से जुड़ा हुआ है, तो Q1 के कारण बी बिंदु पर विभव होगा। तो विभव कितना होगा, तो बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है के क्यू वन के क्यू बटा आर, तो यहाँ क्यू वन था इसलिए के क्यू वन बटा डिस्टेंस R12 इनटू किस आवेश को आप ला रहे हैं Q2 आवेश को। उसके बाद इस निकाय का कुल कार्य निकालने के लिए दोनों कार्य को हमने क्या किया जोड़ दिया यहां पर। अब ये जो कार्य है यही कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यदि स्थिति ऊर्जा को आप U से लिखते हैं तो U बराबर फाइनली K Q1 Q2 बटा R12, यही है स्थिति ऊर्जा एक सिस्टम का जिसमें दो आवेश रहेंगे Q1 और Q2।
चलिए अब देखते हैं तीन आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब तीन आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए सेम इंफिनिटिव लेते हैं और यहां पर तीन चार्ज लेते हैं Q1, Q2, Q3 और यहां पर तीन बिंदु मेजरमेंट करते हैं A, B, C। ठीक है, सबसे पहले Q1 को A तक लाएंगे, Q2 को B तक लाएंगे और Q3 को C तक लाएंगे। इन तीनों पॉइंट को सबसे पहले मिलाते हैं, मिला दिए, डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं A से B तक R12, A से C तक R13 और B से C तक R23। ये मेजरमेंट कर लिए डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर स्टेप वन की बात करें तो Q1 को यहां तक लाएंगे, ठीक है, और स्टेप टू में Q2 को यहां पर लाएंगे, अब स्टेप थ्री में Q3 को यहां पर लाएंगे। तो सबसे पहला चरण देखिए, Q1 आवेश को कहां से, अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप से हम लोग गुजर रहे हैं Q1 से, इसलिए W1 लिखेंगे, वही फिर से फॉर्मूला रहेगा विभव इनटू आवेश। तो विभव यहां पर देखिए, अभी कुछ देर के लिए सोचिए कि ये आपका B और C पॉइंट नहीं था, तो ए बिंदु पर कितना विभव था, तो ए बिंदु पर कोई भी विभव नहीं था, तो ए बिंदु पर कोई भी विभव नहीं मतलब शून्य, और आवेश आपका यहां था Q1, तो रिजल्ट आ गया शून्य। तो W1 का वैल्यू आ गया शून्य, इक्वेशन ले लीजिए इसको 1। अब देखिए अगला स्टेप में Q2 को लाइए, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, इस पर W2 हो जाएगा, सेम विभव, इस बार A बिंदु पर था, इस बार B बिंदु पर रहेगा, इनटू आवेश। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो विभव नहीं था लेकिन यहां पर विभव होगा क्योंकि चार्ज तो A बिंदु पर आ चुका है, तो चार्ज यहां पर Q1 आ गया है, तो Q1 के कारण इस पर विभव होगा, इस बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव होगा, तो इस पॉइंट पर विभव होगा कि Q1, क्योंकि Q1 के कारण हो रहा है, बटा R होता है, KQ बटा R होता है विभव का फॉर्मूला, तो KQ1 बटा R था, R डिस्टेंस कितना है R12 इनटू इस आवेश को ला रहे हैं आप Q2, तो W2, तो K हो गया Q1 Q2 बटा R12। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले Q1 को लाए, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य विभव इनटू आवेश, वहां पर कोई भी विभव नहीं था, शून्य था, Q1 से मल्टीप्लाई 0। अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य W2 बराबर विभव इनटू आवेश, तो इस B बिंदु पर विभव होगा, किसके कारण होगा, Q1 के कारण होगा, तो KQ1 बटा R12 इनटू Q2, तो W2 बराबर आ गया KQ1 Q2 बटा R12। अब स्टेप थ्री में चलेंगे कि Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, तो यहां हो जाएगा W3 बराबर हो जाएगा विभव किस पे, सी बिंदु पर इनटू आवेश। अब ध्यान दीजिएगा, सी बिंदु पर अब यहां पर भी Q2 आ चुका है, अब सी बिंदु पर कौन कौन के कारण, किस किस आवेश के कारण विभव यहां पर होगा, तो सबसे पहले तो Q1 आवेश के कारण होगा विभव, अगला बार Q2 आवेश के कारण होगा,
तो Q1 आवेश के कारण विभव और Q2 आवेश के कारण, दोनों के कारण इस बिंदु पर विभव होगा। तो विभव C पे एक स्टेप पढ़ाते हैं यहां पर W3। देखिए सबसे पहले Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण प्लस Q2 आवेश के कारण विभव और इनटू आवेश, तो एक ब्रैकेट हो गया इनटू आवेश। अब देखिए Q1 आवेश के कारण विभव कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले Q1 बटा डिस्टेंस कितना है R13 प्लस Q2 आवेश के कारण कितना होगा Q2 डिस्टेंस कितना है R23। देखिए डिस्टेंस कितना है R23, ब्रैकेट बंद, कौन से आवेश को लान रहे हैं आप Q3 को, तो Q3 यहां लिख दिए। अब Q3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई हो गया Q1 Q3 बटा R13 प्लस Q2 Q3 बटा R23। अब आपको निकाय की कुल कार्य जोड़ना है, क्योंकि यही कार्य जो है ये पूरे सिस्टम का स्थितिज ऊर्जा होगा। तो कुल कार्य तो W1 प्लस W2 प्लस W3, तो कुल कार्य W बराबर हो जाएगा, W1 तो जीरो है, दो ठो कार्य को जोड़ना है केवल, तो जोड़ देते हैं Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। अब यहां से आप K को कॉमन आउट कर सकते हैं, K को कॉमन आउट कर लिए तो अंदर बचा K Q। अच्छा ऐसा करते हैं कि यहां पर मैं एक्सप्रेशन का रिजल्ट दे रहा हूं कि यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब ध्यान दीजिएगा यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो स्थितिज ऊर्जा को क्या चीज से डिनोट करते हैं आप, तो U से करते हैं। तो U देखिए K का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0, तो 1/4πε0 बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बचा देखिए Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। ये आपका रिजल्ट आ गया कि अगर एक निकाय में तीन आवेश रहेंगे तो उसका स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हमारा आज का टाइटल था आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, कि आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो जिसमें पहला केस था हमारा कि एक निकाय में दो ठो आवेश रहेंगे तो उस निकाय का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दूसरा केस था हमारा तीन आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए एक निकाय में तीन ठो आवेश रहेंगे तो उसका स्थितिज ऊर्जा कैसे हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले इंफिनिटी पे तीन आवेश रखते हैं और बारी बारी से सबसे पहले Q1 आवेश को A तक, Q2 को B तक और Q3 को C तक। तो समझने वाली बात यह है कि A बिंदु पर कोई भी विभव नहीं होता है क्योंकि पहले से वहां पर कोई भी आवेश नहीं है, B बिंदु पर विभव होगा क्योंकि A पर Q1 आ चुका है और C पर दो आवेश के कारण विभव होगा, सबसे पहला Q1 के कारण होगा और फिर Q2 के कारण। उसके बाद बारी बारी से सबसे पहले Q1 को लाने में कार्य जीरो, Q2 को लाने में चार्ज Q1 Q2 बटा R12 और Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में जो कार्य का परिमाण होगा, तो सबसे पहले Q1 के कारण विभव प्लस Q2 आवेश के कारण विभव इनटू जो आवेश को आप इनफिनाइट से ला रहे हैं, तो यहां कर दिए। उसके बाद देखिए Q1 R13 डिस्टेंस था, Q2 R23 ब्रैकेट बंद Q3 जिस आवेश को आप ला रहे हैं, उसके बाद इस Q3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है कुल कार्य W1 W2 W3। W1 का मान तो जीरो था, W2 यहां, W3 ये पूरे आवेश यहां पर रिजल्ट को जोड़ दिया गया है।
अब ये जो कार्य आया यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यदि स्थितिज ऊर्जा को U से सूचित किया जाए तो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा U बराबर K का वैल्यू कितना होता है 1/4πε0। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q1 Q3 बटा R13 प्लस Q2 Q3 बटा R23। तो ये रहा हमारा 2.7 NCERT पैटर्न फिजिक्स 12 प्लस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो कल हम लोग देखेंगे 2.8। धन्यवाद।